हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोना मिस कुकिंग हब। तो आज मैं एक बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से बन जाने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में एक कप चने का दाल ले लिया है और अब मैं इसमें आधा कप जितना पानी डाल दूंगी और इसे आप 8 घंटे या फिर पूरी रात के लिए सोक करके रखें। तो अभी 8 घंटे बाद सोक हो चुका है पूरी तरह से। तो अब मैं इसे कुकर में डाल लूंगी और इसके 3 विसल मारने तक इसे कुक कर लेंगे। इसमें आधा कप पानी डाल दे। अभी कटोरी में 1 कप मैदा और 1 कप आटा ले लेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 बड़ी चम्मच तेल। अभी इसे अच्छे से बाइंड करेंगे। अभी इसे एक टाइट डो के लिए जितनी पानी जरूरत है उतनी पानी से इसका एक टाइट डो बना ले। तो अभी ये डो बन चुका है। अभी हमें ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे कवर करके साइड में रख देंगे। अब तक हम मसाले देख लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे 7-4 लाल मिर्च लिए हैं, जीरा, धनिया, पेपर सीड्स, अदरक और हल्दी लिया है। तो हम इन सभी को रोस्ट कर लेंगे। आप हल्दी अभी ना डालें। ध्यान रखिए ये सारे मसाले जल ना जाए, इसे मीडियम फ्लेम में पकाएं। अभी हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अब मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी। अब इसको हम एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर देंगे और इसका एक मसाला बना लेंगे। तो मसाला भी बनके रेडी हो चुका है। तो हमारी दाल भी पक चुकी है। अब हम इसको एक कटोरी में उतार लेंगे। अब जो हमने मसाला बनाया था अभी वो हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच नमक और धनिया के पत्ते। अब इसको अच्छे से स्मैश करेंगे। अगर थोड़े थोड़े दाल स्मैश नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं। ये एक बहुत ही हेल्दी डिश है। जो हेल्थ कॉन्शियस है वो आलू की जगह इसे दाल की स्टफिंग से पराठे खा सकते हैं। तो अब इस डो को मैं और थोड़ा सा गूंद लूंगी और अब इस डो के हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने पहले आपको एक फर्स्ट मेथड दिखाती हूँ इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 रोटी बना लेंगे।
इसको थोड़ा पतला ही रखें। तो अब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे और इसको हर तरफ स्प्रेड कर देंगे। और अभी इसके हर साइड में पानी थोड़ा सा थोड़ा करके पानी लगा देंगे। और अब जो हमारी दूसरी रोटी है वो इसके ऊपर रखकर इसको हर साइड से प्रेस कर देंगे और कवर कर देंगे। अब इसे ऊपर से थोड़ा सा बेल लेंगे। तो अब मैं आपको दूसरा मेथड भी बताती हूँ। जो नॉर्मली हम आलू पराठा बनाते हैं वो ये भी ऐसे ही बनता है। अब हम इसमें स्टफिंग भर देंगे और इसका एक बॉल बना लेंगे। तो अब हम इसको बेल लेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है जिससे कि आलू पराठा बनता है। आप चाहे तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर आपको पहला वाला मेथड टाइम कंज्यूमिंग लगता है तो। तो हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पराठे को पका लेंगे। अभी मैंने तेल डाल दिया है। इसके दूसरी साइड में भी हम तेल लगा लेंगे। अगर आप तेल ज़्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्रश से थोड़ा थोड़ा तेल अप्लाई करें। इससे ज़्यादा तेल नहीं लगता और पराठे भी अच्छे बनते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा एक कलर आ चुका है इसमें। तो पराठे बनके हमारा रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा पराठा भी पका लेंगे। तो दूसरा पराठा भी हमारा बन चुका है। इसे भी मैं एक प्लेट में उतार लूंगी अभी। तो अब जो हमारे दूसरे मेथड का जो पराठा है उसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। अब देखिए मैं कैसे करती हूँ। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो देखिए मैंने ये पीसेस कट करके इनको ओपन कर लिया है और अब मैं इसमें चीज डाल दूंगी। अगर आप बच्चे ऐसे ही पराठे ना खाना चाहें तो आप ऐसे उनको खिला सकते हैं चीज के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।